हेलो डियर, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिकल ब्रांच के सिलेबस के डिस्क्रिप्शंस के बारे में, जिन्हें जो एएमआई में इनरोल होते हैं उनके लिए ये सिलेबस मेंशन किया गया एएमआई के थ्रू। और वो जो सब्जेक्ट आपका थर्मल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, जो कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है। तो ये पूरी डिस्क्रिप्शन है सिलेबस का कि कैसे पढ़ना है, आप एक अटेम्प्ट में कैसे पेपर को क्लियर कर सकते हैं, हाउ टू क्लियर द पेपर इन वन अटेम्प्ट। तो ये बेसिकली एक बेसिक आइडिया है जिससे ये आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको एक अटेम्प्ट में पेपर को कैसे क्लियर करना है। और इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ताकि आप उससे अच्छे से पढ़ें तो फिर आपके अच्छे ग्रेड ज़रूर आ जाएंगे। थर्मल साइंस एंड इंजीनियरिंग जो आपके एएमआई के सिलेबस में मेंशन है मैकेनिकल के लिए, एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। और जो इसमें सिलेबस जितने भी मेंशन है, जितने भी सब्जेक्ट का सबसे बड़ा सिलेबस इसका रखा गया। ये बहुत ब्रॉड सिलेबस है, इसमें आपके थर्मोडायनामिक्स, बेसिक आईसी, बेसिक आरएसी को रखा गया, जितने साइकिल हैं उसको रखा गया है। और अगला एक सब्जेक्ट होता है जो बीटेक वालों को अलग से सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है, उसको भी इसमें रखा गया है, हीट एंड मास ट्रांसफ़र। ग्रुप ए के ये सारे सिलेबस है और ग्रुप बी के आपके हीट एंड मास ट्रांसफ़र। ग्रुप ए में थर्मोडायनामिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आईसी आरएसी एज वेल एज साइकिल, एंड द ग्रुप बी पार्ट ऑफ द टोटली हीट ट्रांसफ़र। मैं लिखता हूँ, द ऑल चैप्टर इज हीट ट्रांसफ़र। तो इसमें कौन से चैप्टर आपको पढ़ के जाना है ताकि आपके लिए यूज़फुल हो। ये जितने भी आप देख रहे हैं चैप्टर, प्योर सब्सटेंस तक, ये सारे क्या है, 1 to 9 चैप्टर तक थर्मोडायनेमिक्स कहलाते हैं। ऑल द चैप्टर्स आर अप टू 8, 9, 10, 11, 12 अप टू द प्रॉपर्टी प्योर सब्सटेंस। ऑल दिस चैप्टर इज फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स पे ही बेस्ड हैं। और कुछ इसमें बेसिक आरएसी के बारे में पूछा जाता है, जैसे आपके वेपर कंप्रेशन साइकिल, कॉप के बारे में पूछ लिया जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक आईसी जैसे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल से न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। बेसिक साइकिल में जैसे रैंकिन साइकिल, जैसे वेपर रैंकिन साइकिल, गैस टर्बाइन, इससे भी चीज़ें आता है, साइक्रोमेट्री से भी कभी कभार आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है सिलेबस का आपका। अब इसमें पढ़ना क्या, आपको इंट्रोडक्शन तो एक आपको आइडिया होना ही चाहिए क्या पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बन जाता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बन जाता है आपके लिए, एंट्रोपी। ये तीन चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हीट इंट्रैक्शन चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पढ़ के जाना ही है। जैसे हीट की दूसरा चैप्टर में कम से कम 10 मार्क के क्वेश्चन पूछेंगे, तीसरे से 10 मार्क्स का मिनिमम, फोर्थ चैप्टर से 20 मार्क के क्वेश्चन, फिफ्थ चैप्टर से कम 10 मार्क के क्वेश्चन आते ही हैं। हीट एंड वर्क में जैसे बहुत सारे बेसिक डिफिनेशन होता है, हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, रिलेशन एक दूसरे से कैसे होता है, ये सारे पूछा जाता है। बाउंड्री फिनोमेनन कैसे हैं, फर्स्ट लॉ में तो बहुत सारे होता है, इंटरनल डेफिनेशन होता है, प्रॉपर्टी के बारे में पूछ लिया जाता है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। सेकेंड लॉ पे न्यूमेरिकल वगैरह पूछे जाते हैं, कारनोट थ्योरम पे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट, केल्विन क्लॉसियस स्टेटमेंट, साइक्लिक इंटीग्रल, क्लॉसियस स्टेटमेंट साइक्लिक इंटीग्रल से फॉर्मूला आ जाता है, रिजर्वायर कनेक्टेड करके फॉर्मूला आ जाता है, एंट्रोपी से तो आता ही है न्यूमेरिकल, बाकी आप इसे छोड़ सकते हैं प्योर सब्सटेंस से। फिर आपके इससे कम 10 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क के क्वेश्चन, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 10 मार्क। मतलब आपको सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर और यहाँ से बेसिक साइकिल से कम पढ़ के जाना है, क्योंकि रैंकिन साइकिल पे अगर न्यूमेरिकल नहीं पूछा तो गैस टरबाइन पे पूछेगा, गैस टरबाइन से न्यूमेरिकल नहीं आया तो रैंकिन साइकिल से। ग्रुप बी में जो सिलेबस आपका मेंशन है हीट ट्रांसफर का, वो है आपका कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, एज वेल एज रेडिएशन एंड हीट एक्सचेंजर है। इसमें सभी से लगभग 20 मार्क के क्वेश्चंस आते ही हैं। मतलब आपके ग्रुप बी में कितने सवाल रहते हैं, 4 क्वेश्चंस होते हैं, तो सभी चैप्टर से एक एक सवाल आपके आने ही हैं।
ग्रुप ए में कितने क्वेश्चंस होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं, तो इन सारे चैप्टर से 4 क्वेश्चंस आएगा और उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 एंड चैप्टर नंबर 11 बेसिक साइकिल। इन 5 चैप्टर से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मिनिमम आता है। ये 5 चैप्टर अगर ग्रुप ए के आपने कवर कर लिया तो इससे मिनिमम 3 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। हीट एंड वर्क इंटरेक्शन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एंट्रोपी एंड द बेसिक साइकिल, रैंकिन एज वेल एज गैस टरबाइन। ग्रुप बी से आपके 4 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन का वेटेज कितना होता है, 20 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको देने होते हैं दो मैं बताता हूँ किस चैप्टर को करके जाना है, दो आंसर देने पड़ते हैं, लेकिन मुझे मेंशन तो करना पड़ेगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट एक्सचेंजर, 4 क्वेश्चन। और कभी कभार ये होता है कि रेडिएशन से 30 नंबर का पूछ लिया गया, कंडक्शन से 30 नंबर का पूछ लिया जाएगा, कभी रेडिएशन से 30 नंबर का, या कभी हीट एक्सचेंजर से। जैसे कंडक्शन में सबसे आसान प्रॉब्लम जो होता है ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन का होता है, लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस, उससे पूछा ही जाता है, इसे कर लें। रेडिएशन को कर लें, रेडिएशन आसान चैप्टर होता है, शील्डिंग वगैरह पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, फॉर्मूला पुटिंग होता है, स्टीफन बोल्ट्जमान, किरचॉफ्स लॉ इक्वेशन यूज करके। और हीट एक्सचेंजर में जैसे ये तो 30 नंबर का आपकी झोली में रहता है, ये बहुत आसान है, LMTD से क्वेश्चन पूछ लेता है, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर NTU से, LMTD मेथड। जैसे पैरेलल और काउंटर फ्लो के केस में इसका डेरिवेशनल फार्मूला होता है लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डेफिनेशन का, और नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट पे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर इन सारे चैप्टर्स को आप करके जाते हैं तो आई होप आपके सारे जो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे वो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों का, और आपके अच्छे ग्रेड भी आएंगे। अगर आपके पास वीडियो लेक्चर अवेलेबल नहीं होगा तो आप मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट करके वीडियो लेक्चर ले सकते हैं, जो मॉड्यूलेशन ऐप पे भी अवेलेबल है और PD कोर्स में भी अवेलेबल है, आप पेन ड्राइव कोर्स के थ्रू भी मंगा सकते हैं, लेकिन अभी ऐप ज़्यादा यूजफुल है, ऐप से आप ले सकते हैं। आप मॉड्यूलेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, मॉड्यूलेशन यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन होता है इन्हीं दो मीडियम से दिया जाता है, और जो AMI से कंसर्न होता है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जाता है, चाहे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्री में हो, नोट्स हो, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हो, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन डैट चैनल। तो आप सब्सक्राइब कर लें और आप मॉड्यूलेशन टीम के साथ बने रहें, आप इन सारे चैप्टर्स को कवर करें, आप ज़रूर अच्छे नंबर लाएंगे, क्योंकि जो सारे लेक्चर्स जो फैकल्टी कवर किए हैं बेसिकली ये अनुसर पढ़ाए हैं, तो वो एक सिस्टमेटिक मेरा भी इसमें है, मैंने HMT के कुछ पार्ट और बेसिक साइकिल डिस्कस किया है, तो एक बेसिक वे से एडवांस लेवल तक पढ़ाया गया, AMI के सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाया गया, उसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस भी है उसमें, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे और अच्छे नंबर लाते भी हैं लड़के। तो आप अगर आपने परचेज नहीं किया होगा तो आप वीडियो लेक्चर ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।